हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में 10 जून 2019 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि आज का वीडियो लेट हो गया कुछ कारणों से, और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है करंट अफेयर के या फिर क्रैश कोर्सेज के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस के मेरे क्रैश कोर्सेज पढ़ने हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो आप मुझे आन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज के कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका नाम है आरके छिब्बर। आरके छिब्बर फाइनली अपॉइंट किए गए हैं एज अ चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन थे परवेज अहमद, तो फाइनली आरके छिब्बर ने परवेज अहमद को सक्सीड किया यहाँ पर। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ इस मूव की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू कश्मीर बैंक के जो शेयर हैं वो 13% की गिरावट आई है उनमें। ओके, तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अभी हाल ही में ऐसा कौन सा बैंक है जिसके शेयर में 13% की गिरावट देखी गई है, तो वो आपका आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। सेम, और जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच मेट्रो ट्रेन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स 5 ईयर। ये कौन सी मेट्रो ट्रेन है भारत की जिसने अभी सक्सेसफुली अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं? ये है मुंबई मेट्रो। मुंबई मेट्रो इस्टेब्लिश हुई थी 8 जून 2014 को, तो 8 जून 2014 के हिसाब से अभी 2 दिन पहले ही पूरे 5 साल इसने किए हुए हैं। और मुंबई मेट्रो का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई मेट्रो का हेडक्वार्टर है मुंबई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has gone to which state to control violence even after Lok Sabha election? Question का मतलब पहले समझा देता हूँ। Ministry of Home Affairs ने अभी हाल ही में किस state को warn किया है कि अभी भी Lok Sabha election के बाद भी वहाँ पर violence हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इस वजह से किस राज्य सरकार को Ministry of Home Affairs ने warn किया है? ये warning एक ऐसी warning है, official warning है, जिसके बाद अगर फिर भी ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं तो फिर प्रेसिडेंट रूल की मांग कर ली जाती है वहां पर। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है, हम सभी को पता है, वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। ममता बनर्जी में आए दिन वहां पर अभी भी वायलेंस हो रहा है जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को चेतावनी दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और हमारे होम मिनिस्टर कौन है, क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं हमारे नए होम मिनिस्टर कौन है? गुजरात में सरकार है विजय रूपानी की। नागालैंड के सीएम कौन है? नागालैंड के सीएम भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बहुत दिन से मैंने आपसे पूछे नहीं है सीएम, सीएम मुझे नागालैंड के बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, और साथ ही में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी बताइए लिखकर। और केरला के आप सभी को बताए पिनाराई विजयन, तो नागालैंड के सीएम बताइए और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज वॉन फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीता है अभी हाल ही में राफेल नडाल ने। ओके, और राफेल नडाल कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? ये स्पेन के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 12वां फ्रेंच ओपन था, ये मतलब आज की डेट तक पूरे 12 फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं राफेल नडाल। ओके, और आज तक इन्होंने ग्रैंड स्लैम कितने जीते हैं? इन्होंने टोटल 18 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली गिरीश कर्नाद हैज बीन पास्ड अवे, ही वाज अ। ये है गिरीश कर्नाद, आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये देखी देखी शक्ल इनकी लग रही होगी। गिरीश कर्नाद क्या थे? ये एक एक्टर थे, ध्यान रखिएगा, और बेसिकली ये एक राइटर भी थे, फिल्म डायरेक्टर भी थे। ओके, कन्नड़ राइटर थे ये। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये एक्टर थे। इनको आप लोगों ने देखा होगा, एक मूवी आई थी सलमान खान की, एक था टाइगर, उसमें इन्होंने काम किया हुआ है। तो इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडो चाइना सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग पैक्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी। भारत और चाइना के बीच में एक सिक्योरिटी और ट्रेडिंग पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, कौन से शहर में? आपको बता दूं, ये हुई है नई दिल्ली में। और कब हुई? ये हुई थी 2 जून को भारत और चाइना के बीच में। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, और भारत के प्रेसिडेंट आपको बताइए रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट गेम शो जिसका नाम है कॉन्फेटी इन इंडिया। तो ये जो कॉन्फेटी नेम का ये जो गेम शो है, ये कौन सी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने भारत में लॉन्च किया है?
ये लॉन्च किया है फेसबुक ने। और आपको बता दूं, ये सिर्फ एक ही इंटरफेस के ऊपर चलेगा जो कि फेसबुक का इंटरफेस है, जिसका नाम है फेसबुक वॉच। उसके ऊपर आप इसको देख सकते हो। यहां पर क्या होगा कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, इन सवालों के अगर आप जवाब देते हैं तो डेली 3 लाख रुपए तक आप जीत सकते हैं, 3 लाख रुपए की धनराशि। और फेसबुक के ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। तो ध्यान रखिए, फेसबुक ने एक नया गेम शो जिसका नाम है कॉन्फेटी, ये भारत में लॉन्च किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड आर्कटिक ट्रेन सर्विस? आर्कटिक के लिए ट्रेन सर्विस कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी है? तो ध्यान रखिए, ये लॉन्च करी है रशिया ने। ये रशिया से आर्कटिक को जोड़ने वाली पहली ट्रेन सर्विस है, ध्यान रखिएगा। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रशिया की कैपिटल मॉस्को और यहां की करेंसी है रूबल। ये ट्रेन चलाई गई थी एनवायरमेंट डे वाले दिन 5 जून को, और इस ट्रेन में 91 पैसेंजर गए थे पहली बार में। ओके, तो ये इस तरीके की पहली सर्विस है जो कि रशिया से आर्कटिक रीजन तक जाती है। और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडेम, और यूएस की कैपिटल आपको बताइए वॉशिंगटन डीसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अशोक लीलैंड हैज साइंड अ पैक्ट विद विच बैंक? अशोक लीलैंड आप सभी को बताइए ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसने अभी हाल ही में किस बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है? तो ध्यान रहे, अशोक लीलैंड ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अशोक लीलैंड की अगर आप गाड़ियां लेते हैं पूरे भारत में कहीं से भी, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको क्या देगा? लोन। ओके, और अशोक लीलैंड का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। ओके, और साथ ही में ये भी ध्यान रखिए, अशोक लीलैंड की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुजा ग्रुप। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका एड आता है हिंदुजा ग्रुप। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ बीएसएफ एकेडमी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी के नए डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं एसएस चहर। क्या नाम है? एसएस चहर। ये 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। और बीएसएफ एकेडमी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं क्या? चलिए, अच्छा मैं बताता हूँ, बीएसएफ एकेडमी मध्य प्रदेश के टेकनपुर में है। क्या नाम है? टेकनपुर। ओके, तो आपसे जो दो सवाल मैंने पूछे हैं उनका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और साथ ही बस मुझे आपसे ये कहना है, आप लोग अगर वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज लाइक का जो बटन है उसको जरूर प्रेस कर दिया करें, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। और जो लोग अन अकेडमी पर कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं वो लोग मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, varun.awasthi90s-8150। इसका यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड सी यू टुमारो।